<laughs> Hi, guys, welcome to my channel Education File. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीआरटी क्लास थर्ड की ईवीएस ठीक है लास्ट ट्रीम में थोड़ी दिक्कत हो गई थी यार टेक्निकल ग्लीचेस आ जाते हैं एक बार प्लीज जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आवाज एंड वीडियो सब क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं वैसे भी काफी लेट होगी स्ट्रीम तो जो अभी लाइव देख सकते हैं वो लाइव देख लो वरना ये थर्ड क्लास की ईवीएस की प्लेलिस्ट में होगी आप वहां से जाके देख सकोगे ठीक है तो एक बार जल्दी से प्लीज यार कमेंट करके बता दो कि सब कुछ ठीक है आवाज आ रही है तो स्टार्ट करते हैं फिर तो आई थिंक आवाज क्लियर है चलो स्टार्ट करते हैं फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे ओके okay? तो चलो इस वीडियो में हम कंप्लीट थर्ड क्लास ईवीएस डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो सीटेड पेपर वन के लिए या स्टेट लेवल वन के लिए या जो भी प्राइमरी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं और जिसमें भी एनवायरमेंटल स्टडीज आती है एवी आती है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं इसमें पूरी बुक हम कवर करेंगे ठीक है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो भी टॉपिक हैं वो सभी कवर किए गए हैं इसमें सो चलो स्टार्ट करते हैं तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है पूनम टे आउट तो ये स्टोरी है पूनम के बारे में तो पेड़ पे क्या देखती है कुछ एनिमल्स देखती है जैसे पिजन मंकीज मैना बटरफ्लाइज स्पैरो स्क्वायरल मतलब ग्लैरी एंड क्रो ठीक है पोन्ट्स के पास कौन से एनिमल देखती है वो टाइगर को देखती है गोट को देखती है टोट को देखती है बफेलो को देखती है ब्लैक विंग स्टील देखती है और देखती है इग्रेट इसकी मैं इमेज दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा अभी तो मैं ना होती है ये ब्लैक विंग स्टिल्ट होता है ये पक्षी ठीक है ये तालाब के पास दिखता है इग्रेट होता है या सफेद बगुला होता है वो ये होता है ठीक है तो ब्रांच पे कौन से एनिमल देखे जा सकते हैं क्रो पीजन मंकीज पत्तों पे लीव पे कौन से देखे जा सकते हैं कैटरपिलर ग्रास ऑपर एंड बीटल्स ट्रंक पे कौन देखेंगे मतलब पे या तने पे एंडस दिखेंगी टर्माइ्स दीमक दिखेंगी और स्क्वा दिखती है ना गिलहरी दिखती है ग्राउंड पे ऑफ कोर्स डॉग कैट रैबिट ट्री के चारों ओर मंकीज घूमते रहते हैं काओ भी होती हैं जिराब भी होते हैं ना चैप्टर टू है द प्लांट फेरी तो इस, इस चैप्टर में क्या है बच्चों ने एक नया गेम डिस्कवर किया है इन्वेंट किया है प्लांट फेरी प्लांट फेरी क्या है कि एक बच्चा प्लांट फेरी बन जाता है या परी बन जाता है ठीक है और वो दूसरे बच्चों को ऑर्डर देता है तो इसमें क्या है मैरीगोल्ड देखेंगे हम जैस्मिन प्लांट मेहंदी बुश एंड नीम ट्री तो मैरीगोल्ड गेंदे का फूल ये होता है चमेली को कहते हैं जैस्मिन नीम सबको पता ही है नीम होती है और मेहंदी बुश ठीक है हिना जिसको कहते हैं ठीक है तो ये सभी नाम आप याद रखना और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट है कि जो विष्णु चिंचकालकर चालकर जी हैं वो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये अपनी ड्राइव लीव आर्ट के लिए बहुत फेमस थे ठीक है ये सूखी पत्तियों से आर्ट बनाया करते थे तो ये क्वेश्चन आए कि विष्णु चिंचकालकर जी कौन थे या ड्राइव लीव के साथ कौन से आर्टिस्ट थे जो आर्ट फॉर्म बनाया करते थे तो वो थे ये विष्णुचिन चालकर जी ओके ये थे इंदौर के मध्य प्रदेश के रहने वाले चलो ये इसमें कोई बताने लायक है नहीं वैसे वाटर वाटर, तो ये पॉइंट पूछ सकते हैं कि ये लिखी गई थी इन्होंने श्री प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी और सोर्सेस तो पता ही है हमें कौन कौन से सोर्स होते हैं वाटर के रिवर्स होती हैं वाटरफॉल्स होते हैं लेक होती हैं स्प्रिंग्स होती हैं ठीक है थीके? तो इसमें कोई खास टॉपिक नहीं था तो चैप्टर फोर्थ भी क्या है आवर फर्स्ट स्कूल हमारा पहला स्कूल कौन सा है तो आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल और इसको कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन ठीक है प्राथमिक समाजीकरण कहाँ पे होता है हमारा वो होता है हमारी फैमिली में ठीक है चलो देन है छोटू भाव हाँ, छोटू क्या है मुंबई का रहने वाला है वो किस में रहता है एक पाइप में रहता है और उस पाइप को ही उसने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कुछ पाइप के हिस्से को वो सोने के लिए यूज करता है कुछ में वो खाना बनाता है और कुछ में वो कपड़े टांगता है तो इसमें ये पॉइंट है ये लिखी गई है बच्चा टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा ओके तो इसमें एक चीज और है जो चूहे होते हैं उनकी जो आईसाइट होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती लेकिन उनकी सूंघने की शक्ति टेस्ट करने की शक्ति सेंस और टच करने की साइंस बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है ठीक है चलो देन है चैप्टर सिक्स फूड वी ईट तो इसमें बच्चे अलग अलग खाना खा रहे हैं बाजरा चपाती जैगरी को कहते हैं गुड़ दाल राइस पल्से सिंपल ठीक है कोई गुरुद्वारे में जा रहा है और वो लंगर खा रहा है ठीक है कोई ऑमलेट खा रहा है कोई नूडल्स खा रहा है तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया कि कुछ बच्चे जो मतलब कुछ एज के बच्चे कुछ खाना खा सकते हैं और कुछ पर्टिकुलर एज के एडल्ट जो होते हैं वो पर्टिकुलर खाना नहीं खा सकते हैं ठीक है तो इसमें विपुल के अभी दांत हैं विपुल खा सकता है कॉर्न कॉब ओके इसको कहते हैं भुट्टा छल्ली मक्के के दाने जो उसमें होते हैं छल्ली में होते हैं ठीक है तो विपुल के दांत हैं तो ये खा सकता है इसकी बहन छुटकी इसके दांत नहीं है तो ये ये सब नहीं खा सकती दूध पीती है ग्रैंड मदर के दांत नहीं है तो वो बेचारी दाल खाती हैं भिगो के वो भी ओके और इनको अपनी दाल में शुगर पसंद है ये बूढ़ी हो गई हैं तो इनको चलने में दिक्कत होती है बेसिक से टॉपिक है यार तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिंग चैन हांगकांग में रहती है और यहाँ पे एक डिश बहुत फेमस है जिसको कहते हैं लिंग हु फैन जो कि बनती है स्नेक से सांपों से बनती है ठीक है तो ये याद रखना कि लिंग हु फैन जो डिश है जो खाने की चीज है वो किससे बनती है वो बनती है स्नेक से और कहा की है ये हांगकॉन्ग की है ठीक है तो ये चीजें प्लीज याद रखना इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे कश्मीर में क्या खाया जाता है मछली खाई जाती है मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करके ओके थॉमस रहता है केरला में केरला में वो खाता है टैपियो का किसके साथ कोकोनट करी के साथ टेपियो का मैं बताता हूँ क्या होता है टैपियोका को हिंदी में सभी जानते हैं साबुदाना कहते हैं ठीक है तो साबुदाना या टैपियो का होता है एक स्टार्च कहाँ से मिलता है कैसेवा प्लांट की रूट से मिलता है ये जो रूट्स होती है ना यही क्या है इन्हीं से मिलता है हमें टैपियो का या साबुदाना अगर ये पूछे कि हमें एक स्टार्च मिलता है कैसेवा प्लांट से उसका नाम क्या है तो वो है टैपियो का अगर टैपियो का ना दे तो साबुदाना देगा वो हाई एवरी वन देखते रहो ठीक है तो सिंपल है यार बहुत बच्चों की बुक है और बहुत ही है तो टैपियो का या साबुदाना है एक स्टार्स जो कि मिलता है कैसावा प्लांट से ओके ऐसा दिखता है आप देख ही सकते हो इस इमेज में चलो धन आता है सेइंग विदाउट स्पीकिंग का चैप्टर इसमें क्या है डम्सराट डम्सराट हमें पता है ये एक गेम होता है जिसमें हम बिना कुछ बोले दूसरे को अपनी बातें सिखाते हैं ठीक है ये एक्टिविटी बहुत हेल्प करती है जो बच्चे बोल या सुन नहीं पाते हैं और उनके प्रति एक सेंसिटिविटी बच्चों में लाती है ठीक है और जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं तो उनको सिखाई जाती है लिप मोमेंट वो लिप पढ़ के या ओठों को पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है तो ये चैप्टर थोड़ा इंक्लूसिव एजुकेशन पे बेस है इंक्लूसिवनेस पे बेस है कि सभी में कुछ ना कुछ कमी है कोई भी परफेक्ट नहीं है और जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं तो उन्हें साइन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट इमोशन है तो ये सभी को पता ही है जब साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं मतलब डांस में साइन लैंग्वेज यूज होती है भाव कहते हैं या मुद्राज कहते हैं ठीक है ठीके? चलो देन है फ्लाइंग हाई ये पोय ये जो पोयम है ये है बर्ड्स के बारे में सभी बर्ड्स अलग अलग होती हैं सभी डिफरेंट साउंड है उनकी उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग है है ना तो मोर क्या है मोर हमारा नेशनल बर्ड भी है और ये क्या खाता है स्नेक्स भी खा लेता है ग्रीन भी खाता है और स्मॉल वॉर्म्स भी खाता है ये ओके चलो देन है ये काइट काइट बहुत ही ऊंची उड़ सकती है चील है ना बादलों से भी ऊपर चली जाती है और इसकी आई साइट बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे और ये खास ये छोटे एनिमल्स खाती है ओके पैरेट पैरेट ह्यूमन वॉइस को इमिटेट कर सकता है है ना और ये बेसिकली क्या खाता है चिलीज बहुत पसंद है इसको क्वेश्चन में आ सकता है ये भी एक मिनट है ना तो इसमें यह क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकता है जर के साथ तो वो है मैना ओके आउल अपनी गर्दन को बैकवर्ड घुमा सकता है बहुत पीछे तक ठीक है तो वो है उल्लू या आउल पैरट ककाटू मैना ऐसी बर्ड्स हैं जो कि ह्यूमन वॉइस को इमिटेट कर सकती हैं या हमारी नकल कर सकती हैं ठीक है थीके? एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बर्ड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स होते हैं उनका साइज अलग होता है कलर अलग होता है शेप अलग होती है ये इनको हेल्प करती है फ्लाइंग में और इनको गर्म भी रखती है ठीक है इंसुलेशन का भी काम कौन करता है फेदर्स करते हैं इनके पंख करते हैं और जो पुराने पंख है वो झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं ठीक है थीके? चलो ये है चैप्टर ट्रेनिंग तो इसमें एक हाथी है तो बहुत दिन से इसके इलाके में बारिश नहीं हुई है तो इसने सोचा कि मैं अपनी ट्रंक से जो सूंड होती है ट्रंक को कहते हैं सूंड उससे पानी देना स्टार्ट करता हूं ठीक है तो ये डेली देने लगता है तो जो बनाना ट्री है वो ठीक हो जाता है तो ये पोएम जो ली गई है क्लाउड से ली गई है और ये किसके द्वारा लिखी गई है हरीश निगम के द्वारा लिखी गई है जो कि हिंदी से ट्रांसलेशन है जो चकमक एक है ना पोएम उससे ट्रांसलेट की गई है जो कि लिखी गई है एक लव्य के द्वारा तो प्लीज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनको अच्छे से याद करना आप लोग चलो व्हाट इज कुकिंग चैप्टर टेन तो हमारे किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं ना प्रेसर कुकर सोस पैन फ्राई पैन एक्सेट्रा और बेसिकली सभी किससे बने आयरन से बने हैं स्टेनलेस स्टील से बने हैं एल्यूमिनियम से, से बने हैं क्ले से बने कॉपर या ब्रास से बने हैं। चपातीज बनाना इसमें बताया गया है तो सिंपल सा है चपाती कैसे बनती है आटे को गूंदा जाता है या नीट किया जाता है उसकी स्मॉल बॉल्स बनाई जाती हैं है ना उनको फिर रोल किया जाता है और उसको फिर आग में पकाया जाता है चलो तो कुछ हम बेक करके खाते हैं कुछ चीजें जैसे केक पेस्ट्रीज है ना कुछ चीजों को हम फ्राई कर के खाते हैं जैसे चिप्स पूरी पकौड़े कुछ चीजें रोस्ट की जाती हैं जैसे कि कैसे ग्राउंड ना तो इनको रोस्ट करते हैं और जैसे और चावल को क्या करते हैं स्टीम करते हैं स्टीम के बाद आप कुछ भी कर सकते हो ये डिफरेंट पकाने के तरीके हैं अलग अलग चीजों के स्प्राउट सभी को पता है दाल को या चने को भिगोया जा सकता है और उनको कुछ दिन के लिए छोड़ दो तो उनमें से स्प्राउट्स निकल आते हैं या वो अंकुरित कर जाती हैं ओके चलो चैप्टर इलेवन है फ्रॉम हेयर टू देर ये पोएम लिखी गई है हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा और ये पोएम कहां से ली गई है रेलगाड़ी पोएम से ली गई है ठीक है इसमें यही सब है इंपॉर्टेंट पॉइंट यार ये सभी को पता है कि ट्रैवल किसके द्वारा होता है मेट्रो के द्वारा होता है एयरप्लेन के द्वारा होता है केरला में कैनाल सिस्टम ज्यादा है तो वहां पे ट्रैवलिंग कैसे होती है बोट के द्वारा होती है ठीक है शिमला में या आप जो भी माउंटेन्स है उसमें पहाड़ों को काट के रोड बनाए गए हैं ठीक है तो जिग जैग मैनर में जाते हैं और जहां पे रोड नहीं है तो वहां पे खच्चर जाते हैं या मेर जाते हैं ठीक है थीके? कुछ लोग बाईसाइकिल से चलते हैं और कुछ रिक्शा से भी चलते हैं जो खुद नहीं चल सकते ठीक है बलक का गुलाकार सबको पता है बैलगाड़ी तो ये छोटी छोटी चीजें यार तो इसमें वी डू इसमें कुछ ऑक्युपेशन बताए गए कोबलर कौन होता है मोची होता है ठीक है फ्लोरिस्ट कौन होता है जो फ्लावर बेचता है ओके घर बनता है तो कौन आता है मैसन आता है डॉक्टर नर्स के बारे में सबको पता ही है जो हरी सब्जियां और फल बेचता है उसे कहते हैं ग्रीन ग्रोसर ओके बार्बर का सबको पता है नाई को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस का पता है जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है एक कुछ चीज है गोबर गैस कैसे बनती है तो गोबर गैस गोबर गैस बनती है डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का और हमें मिलती है गोबर गैस बेसिकली इसमें क्या होता है मीथेन होती है ठीक है चलो आवर फीलिंग्स तो इसमें ब्रेल के बारे में बताया गया है तो जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए क्या है ब्रेल होती है ब्रेल किसने डिस्कवर की थी ब्रेल स्क्रिप्ट डिस्कवर की थी लुइस ब्रेल ने जब ये अपने फादर के टूल के साथ खेल रहे थे तो इनकी आंखें चली गई थी इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी ये थे फ्रांस के ठीक है तो ये पढ़ना चाहते थे तो इन्होंने पढ़ने के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट का इजाद किया या इस स्क्रिप्ट को डिस्कवर किया स्क्रिप्ट में क्या है सिक्स पॉइंट्स होते हैं आप देख सकते हो है ना तो अगर ये पूछे कि ब्रेल स्क्रिप्ट में एक अल्फाबेट में कितने डॉट होते हैं तो वो होते हैं सिक्स और ये कैसे कुरेदे गए हैं तो उसी से पता चलता है कि कौन सा अल्फाबेट है या कौन सी डिजिट है ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा है और आजकल क्या है कंप्यूटर्स भी आ गए हैं जो कि ब्रेल को टाइप कर सकते हैं तो इसमें याद रखना ब्रेल किसने डिस्कवर की थी ब्रेल स्क्रिप्ट लुइस ब्रेल ने ये फ्रांस के थे और इनकी बचपन में आके चली गई थी जब ये अपने फादर के टूल्स के साथ खेल रहे थे ब्रेल स्क्रिप्ट में कितनी डॉट होती हैं तो ये होती हैं है छस पॉइंट होते हैं ठीक है चलो द स्टोरी ऑफ फूड तो प्लांट सोट से हमें क्या मिलता है टर्मरिक कॉर्न लेमन पीनिज पोटैटो अजवाइन बनाना अनियन टमेटो एनिमल सोट्स क्या है एग मीट हनी फेस मिल्क जब चोट लगती है तो हम क्या लगाते हैं टर्मरिक या नीम लगा सकते हैं जब पेट में दर्द होता है तो फेनोप्रिक या पुदीना खा सकते हैं जब कफ या कोल्ड होता है तो तुलसी या जिंजर खा सकते हैं और जब टूथ में दर्द होता है दांत में दर्द होता है तो क्लोव का यूज करते हैं लौंग का यूज करते हैं ठीक है चलो फ्लावर्स ऑफ कचनार तो ये होता है कचनार इसको कहते हैं माउंटेन इगोनी या बोहिन वेरिगाटा ठीक है Ibonia, Varigata, ये कचनार और कई जगह इसकी सब्जी भी बनती है लीव सभी को पता है स्पेनिज क्या है लीव्स है करी लीवस हैं कॉलीफ्लावर फ्रूट जैक फ्रूट मैंगो आमला फ्रेंच पींस बनाना एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट जैसे कि कैरेट रूट है जिंजर रूट है लोटस टैम है ना मस्टर्ड रेडिस एंड पोटैटो चलो इसमें है मेकिंग पोर्ट्स तो इसमें स्टोरी है फुदबुदी और किसकी भन्नाटे की तो ये हमें नहीं पढ़नी है तो इसमें हमें बस ये पढ़ना है कि पोटर क्या होते हैं जो पोर्ट्स बनाते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें कहते हैं पॉटर ओके किल कहते हैं भट्टी को जो ये होती है ना इनको कहते हैं किल या भट्टी ये है ईट का भट्टा पूरा जहां पे ईट पकती है बेक होती है ब्लैक स्मिथ कौन होता है लोहार होता है ठीक है ट्रैवल करनी या कह सकते हो खुरपा टाइप एक टूल होता है ठीक है तो ये सभी चीजें याद रखना बाकी कुछ इन चैप्टर्स में है नहीं ज्यादा बताने का चलो गेम्स वी प्ले तो इस गेम को कहते हैं जो स्टापू होते थे ना इसको तो कहते हैं होब स् तो ये टर्म याद रखना है ना इसमें क्या होता है मार्कर एथिपी फेंकते हैं या स्टापू फेंकते हैं तो जिसमें जाता है आपको वो उठा के लाना पड़ता है और आपको एक टांग से जाना पड़ता है चार और पांच में आप दोनों पैर रख सकते हैं बाकी में एक पैर रख सकते हैं अगर यहाँ पे ये ठिप्पी है तो आप यहां से आके यहाँ उठा सकते हैं ठीक है मेन इसमें है कि इस गेम को कहते क्या है इसको कहते हैं हॉप स्कॉच चलो और बाकी गेम क्या है तो सेवन टाइल्स कहते हैं पिट्ठू को ये खेले ही होगा सबने पिट्ठू गर्मा गर्म है ना तो इसको कहते हैं सेवन टाइल्स बाकी इसमें चेस है और टेनिस के बारे में इसमें यह है कि सानिया मिर्जा का किस गेम से रिलेट करती है तो वो टेनिस है ना बहुत छोटे चैप्टर है यार ज्यादा कुछ है नहीं तो लेटर लेटर इसमें क्या की स्टोरी बताई गई कैसे लेटर जाता है तो, तो इसमें रीना लेटर लिखती है वो लेटर बॉक्स में डाल देती है उसे उस लेटर बॉक्स से वो लेटर कहा जाता है पोस्टमैन उसे ले जाता है और अपने बैग में ले जाता है वो ले जाता है उसको पोस्ट ऑफिस में जहां पे उसमें स्टैंप लगती है स्टैंप के बाद क्या है वो फिर से एक बैग में चला जाता है फिर एक रेड पोस्टल वैन में चला जाता है फिर ट्रेन जर्नी करता है फिर वो चला जाता है दिल्ली। दिल्ली पे फिर एक और स्टैंप लगती है फिर फाइनली पोस्टमैन क्या है उस लेटर को जहां तक वो जाना है अहमद के पास वहां तक वो पहुंचा देता है ठीक है बेसिकली इसमें पूछ सकता है कि कहाँ लेटर किस स्टेप में जाता है ठीक है तो ये स्टेप प्लीज याद रखना डिफरेंट मोड मीन या डिफरेंट uh, मोड या मीन ऑफ कम्युनिकेशन पोस्ट कार्ड आजकल बिल्कुल ही बंद हो गया फैक्स भी बिल्कुल बंद हो गया ईमेल और फोन का जमाना ज्यादा है चलो ए हाउस लाइक दिस तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के बारे में बताया गया तो टेंट सबको पता ही है है ना इनको घूटी से गाड़ के और एक सेट बना लिया जाता है जिसको कहते हैं टेंट तो चलो एक बच्चा है यहाँ पे ये यह बता रहा है आसाम का रहने वाला है और यहां पे इनके घर क्या होते हैं टेंट टू ट्वेल्व फीट ऊंचे होते हैं ग्राउंड से क्यों क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है ताकि और बारिश में इनके घर सेफ रह सकें इसलिए ये लोग अपने घर को दस से बारह या चौदह फीट ऊपर बनाते हैं ताकि बारिश हो तो आराम से सीढ़ी से चढ़ के अपने घर में जा सके ठीक है थीके? तो अगर ये पूछे कहां पे टेन टू ट्वेल्व फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं तो वो है आसाम में ओके और इनके जो ये पोल होते हैं वो किससे बने होते तो हैं पिलर्स ये बने होते हैं बैम्बू से बैम्बू नॉर्थ ईस्ट में काफी यूज होता है चलो मनाली में कैसे घर होते, है? होते हैं मनाली में घर होते हैं स्लोपी और वो बने होते हैं पत्थरों से ओके दिल्ली में पता ही ये कैसे घर होते हैं मिक्स टाइप हैं पक्के घर हैं है ना राजस्थान में क्या है रेनफॉल बहुत कम होता है और बहुत गर्म होता है तो यहाँ पे जो घर हैं बेसिकली जो गांव इलाके में होते हैं वो मढ़ के होते हैं क्योंकि जो मढ़ है वो ठंडी होती है और जो छत है वो किसकी बनी होती है थोनी बुसेस की बनी होती है ठीक है कहावा कावा क्या है कश्मीरी चाय होती है जिसमें कश्मीरी ग्रीन टी ग्रीन टी लीव्स होती हैं नट्स होते हैं मतलब काजू बादाम वगैरह होते हैं होल स्पाइसेस होती है कार्डमम और जो भी मसाले होते हैं बड़े और सेफ्रन होता है ठीक है इसको कहते हैं कावा तो ये पूछे कि कावा कहाँ से रिलेट करता है तो वो है कश्मीर से ओके किसमें बनता है ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड इन ब्रास कैटल जिसको कहते हैं समोवर अगर ये पूछे कि समोवर क्या है तो वो है एक ब्रास कैटल या ये पूछे जिसमें कहवा बनता है ब्रास कैटल में उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं समोवर ठीक है हाउस बोट्स क्या होती हैं बेसिकली बि... बोट्स होती हैं जिसमें सभी एम्यूनिटीज होती हैं सभी सुविधाएं होती हैं और डल झील में ज्यादा पाई जाती हैं कश्मीर में शिकारा क्या है ये सिकारा है जो कि स्मॉल बोट है ओके <laughs> और कहते हैं चप्पू को और कहते हैं चप्पू को ठीक है आप यहां देख सकते हो चप्पू यहां पे इनके हाथ में अब चार चिनारी क्या है अगर पूछे चार चिनारी क्या है तो ये एक आइलैंड है डल लेक में जो कि ब्लू माउंटेन से घिरा डल लेक में कहना है, बेसिकली कुछ आईलैंड है डल लेक बहुत ज्यादा बड़ी है तो वहां पे कुछ आइलैंड्स है उनमें से चार चिनारी एक है ठीक है तो ये सभी चीजें प्लीज याद रखना इग्लू सबको पता ही है बर्फ को काट काट के हार्ड स्नो से ऐसे घर बना लेते हैं ताकि वो अंदर इंसुलेट रहे ठीक है इनको कहते हैं इकलू चलो चैप्टर नाइनटीन और फ्रेंड्स एनिमल्स तो इसमें कुछ बेसिक एग्जांपल है कि डॉग को क्यों पालते हैं फॉर सेफ्टी एंड होबी को दूध के लिए हॉर्स को कार्ट को पुल करने के लिए ऑक्स को फील्ड को प्लॉक करने के लिए हैन को अंडे देने के लिए और फ्लैश के लिए है ना चिकन के लिए फिश को खाने के लिए रैबिट कैट कई लोगों को पसंद होती है कुत्ते भी पसंद होते हैं हनी भी हनी के लिए तो ये कुछ एग्जांपल हैं। लीजर्ट क्या खाएगी एंड एंड मॉस्किटो खाती है रैट चपाती भी खा सकता है है ना फ्रूट वेजिटेबल्स भी खा सकता है उसको अगर कुछ ना मिले तो ह्यूमन बींग्स चपाती भी खा सकते हैं वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं और जरूरत पड़े तो नॉनवेज भी खा सकते हैं स्नेक क्या खाता है स्पैरो खा सकता है छोटी चिपकली खा सकता है और चूहे खा सकता है ग्रास कौन खाएगा बकरी खाएगी ठीक है चलो तो ये स्टोरी है बज्जू बज्जू एक विलेज है राजस्थान में ओके तो यहाँ पे सभी जगह क्या है सैंड है और यहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है तो यहां पे क्या कर रखा है इन्होंने टैंक या टंका बना रखा है टंका एक्चुअली है क्या जब बारिश होती है कुछ घरों के छतों पे तो वो यहां से फिल्टर होके इसमें सीव लगी है एक जाली लगी है जिसमें गंद फस जाता है और पानी चला जाता है इस बड़े टैंक में जिसको कहते हैं टंका या टैंक और लोग इस पानी को यूज कर सकते हैं पीने के लिए तो ये बेसिकली एक चीज है एक रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक है जिसको कहते हैं रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग पर्टिकुलर टर्म है ये ओके रूफटॉप मतलब जो भी छत पे पानी आ रहा है बारिश के थ्रू उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है ठीक है इसको कहते हैं रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग क्लियर है ये चीज याद रखें आप कि अगर क्वेश्चन पूछे कि छत से अगर कोई पानी हार्वेस्ट हो रहा है बारिश का तो वो कौन सी टेक्निक है वो है रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग चलो फैमिलीज के कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है जिसमें बस हस्बैंड वाइफ हो मतलब पेरेंट्स हो और बच्चे हो एक्सटेंडेड फैमिली है जॉइंट फैमिली जिसमें भाई मम्मी पापा हो बच्चे हो चाचा चाची हो है ना कजेंस हो वो है एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिली फिर आती है सिंगल पेरेंट फैमिली सिंगल पेरेंट वर्ड से क्लियर है या तो केवल फादर हो बच्चों को पालता हो या केवल मदर हो जो बच्चों को पालती हो कोई भी इंडिविजुअल हो किसी ने गोद ले रखा है तो वो भी किस में आते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली में ही आते हैं ओके okay? Childless family फैमिली हो सकता है किसी कारण से कपल नया चाहते हो बच्चे हो या और कोई कारण हो सकता है वो होती है चाइल्डलेस फैमिली ग्रांड पेरेंट फैमिली हो सकता है किसी कारण से मम्मी पापा ना हो और दादा दादी बच्चों को पालते हो या नाना नानी पालते हो तो वो फैमिली होती grandparent family. Okay? है ग्रांड पेरेंट फैमिली ओके चलो लास्ट है लेफ्ट एंड राइट तो ये सिंपली है कुछ कुछ रोड सिंबल्स होते हैं ना? इसका है ना पी के पार्किंग का ये किसकिट रोड है आगे एयरपोर्ट है इसका मतलब है कि रोड आगे नैरो हो गया है वन वे का पता ही है स्टॉप आगे नहीं जा सकते टो वे जोन मतलब नो पार्किंग जोन है इसका मतलब है कि हॉस्पिटल आई थिंक रोड वर्क हेड कि आगे काम चल रहा है ना ये क्या है ओल्ड एज का यहाँ पे साइकिल अलाव नहीं है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे ये राइट right टर्न के लिए बता रहा है स्पीड लिमिट मैक्सिमम आप 55 सकते हो ये स्कूल का सिंबल है डेड ये यू टर्न अलाव नहीं है ये ओके तो okay, और ये कि आगे रेड सिग्नल है और पार्किंग नो पार्किंग एनी टाइम कि पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो बेसिक सिंबल्स है यहाँ से क्वेश्चन आइटिंग नहीं आएंगी या कुछ आ भी सकते हैं तो ये थी पूरी एनसीआरटी आई होप आपको अच्छी लगी हो ये पूरी आप, आप देख सकते हो क्योंकि इससे ज्यादा एनसीआरटी में कुछ है नहीं थर्ड क्लास की जो भी जरूरी टॉपिक थे जो भी टर्म्स थे जरूरी वो सब कवर कर ली है ओके तो आई होप वीडियो अच्छा लगा आपको और ये प्लेलिस्ट में पड़ा रहेगा आप जाके देख सकते हो उसको कभी भी सो so, चलते हैं आई होप वीडियो अच्छा लगा अप्लाई कर सकते हो चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा चलो मिलते हैं कल इसी टाइम पे फोर्थ क्लास की ईवेज पढ़ेंगे ठीक है सो टेक केयर